लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? ट्यूबरक्लोसिस है ना, उसका कॉजेटिव एजेंट पढ़ा था। ठीक, कॉजेटिव एजेंट में माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस, देन उसकी प्रॉपर्टीज, मॉर्फोलॉजी देखी थी अपन ने, और फिर क्या देखा था उसके बाद, उसकी पैथोजेनेसिस। अब अपन बात करेंगे किसकी? टाइप्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस है ना, टीबी। ठीक है, तो ये बेसिकली कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। कौन कौन सा? प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस एंड सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, याद रखना प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस का और किस नाम जानते हैं अपन? गॉन्स कॉम्प्लेक्स या गॉन फोकस। ठीक है, गॉन कॉम्प्लेक्स जनरली बोलते हैं अपन इसको, प्राइमरी ट्यूबर क्लोसिस को, और किस नाम से जानते हैं? और किस नाम जानते हैं? चाइल्डहुड ट्यूबर क्लोसिस। याद रखना प्राइमरी ट्यूबर क्लोसिस को अपन पहले तो प्राइमरी ट्यूबर क्लोसिस बोल रहे हैं, दूसरा क्या बोल रहे हैं? गॉन्स कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस के नाम से भी जानते हैं। डिटेल करेंगे अभी अपन इसको। देन सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस को और किस नाम जानते हैं? पोस्ट प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस, पोस्ट प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस, और क्या, और किस नाम जानते हैं? री इन्फेक्शन ट्यूबरक्लोसिस और किस नाम जानते हैं? क्रॉनिक ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस में बेसिकली कितने? दो, प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस और सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस को अपन किस किस नाम जानते हैं? पहला तो गॉन कॉम्प्लेक्स और चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस। सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस को सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस, पोस्ट प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके बाद ये कॉज हो रहा है ना, आगे अपन पढ़ेंगे। देन री इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन फिर से हुआ है। और तीसरा क्रॉनिक ट्यूबरक्लोसिस, मतलब लंबे समय से ट्यूबरक्लोसिस है। अपन यही बात करेंगे किसकी? प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस की। प्राइमरी ट्यूबर क्लोसिस, जिसको अपन और क्या बोल रहे हैं? गॉन्स कॉम्प्लेक्स और चाइल्डहुड ट्यूबर क्लोसिस। ठीक, अब देखो जो अपना ये है प्राइमरी ट्यूबर क्लोसिस है, ठीक है, ये क्या है? पहली चीज, मोस्ट प्रीवियसली इन्फेक्टेड और नॉट इम्यूनाइज्ड। मतलब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? पहली प्राइमरी मतलब बॉडी में पहली बार हो रहा है ना, तो इसलिए बोला है नॉट प्रीवियसली इन्फेक्टेड, मतलब जो बंदा है वो पहले कभी भी इससे इन्फेक्टेड नहीं हुआ है। और दूसरा इसने बोला है और नॉट इम्यूनाइज्ड, मतलब इम्यूनाइजेशन जानते हो है ना, इम्यूनाइजेशन जानते हो, तो नॉट इम्यूनाइज्ड मतलब उसको वैक्सीन भी टीबी की नहीं लगी है। मतलब जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट है वो पहली बार इससे इन्फेक्टेड हुआ, क्योंकि अगर अपन इम्यूनाइजेशन या इम्यूनाइज कर देंगे उसको तो बनी बात है वो बैक्टीरिया उसके बॉडी में प्रेजेंट है, मतलब एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो चुका है। तो यहाँ पे क्या प्राइमरी होगा वो? फिर नहीं, वो फिर सेकेंडरी में चला जाएगा, क्योंकि वो इन्फेक्शन तुम्हारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अपन वो किसी ना किसी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर की वजह से, जनरली क्या, वीक इम्यूनिटी की वजह से है ना, वो क्या हो रहा है, वापस से रीएक्टिवेट हो रहा है। जब वो रीएक्टिवेट हो रहा है तो यहाँ पे अपन ने देखा था री इन्फेक्शन, मतलब बनी बात है कहीं ना कहीं या तो इन्फेक्शन वापस से इंटर फ्रेश इन्फेक्शन हुआ है, या तो वो वीक इम्यूनिटी की वजह से वापस से एक्टिवेट हो गया है। ठीक, तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या है? ऑलमोस्ट स्पेशली इन लंग्स। पहला चीज अपन ने क्या देखा? नॉट प्रीवियस इन्फेक्टेड और नॉट इम्यूनाइज्ड। दूसरा क्या है? ऑलमोस्ट स्पेशली इन लंग्स, मतलब ये जनरली अपने को कहां देखने मिल रहा है?
लंग्स में देखने मिलेगा क्या, प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस, उसकी भी एक साइट है। फिर देखो जो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स और गॉन्स कॉम्प्लेक्स जिसको अपन बोल रहे क्या, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स या गॉन कॉम्प्लेक्स है, ये जो इसका लीजन है प्रोड्यूस हो रहा है किसके थ्रू, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स और गॉन्स कॉम्प्लेक्स लीजन प्रोड्यूस्ड इन द टिश्यू ऑफ पोर्टल ऑफ एंट्री विद फोकाई इन द ड्रेनिंग लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ नोड। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, जो समझते जाना अभी, ठीक, ये हुआ तुम्हारा क्या, ये क्या हो गया, लंग्स। ठीक, इसने क्या बोला है, पहला प्राइमरी कॉम्प्लेक्स और गॉन कॉम्प्लेक्स, क्या प्राइमरी कॉम्प्लेक्स एंड गॉन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसके कितने पार्ट, तीन पार्ट, ठीक, अपर लोब, मिडिल लोब एंड लोबर लोब, अपर मिडिल एंड लोबर लोब। ठीक, तो यहां पे गॉन फोकस बनता है या प्राइमरी कॉम्प्लेक्स जो बोल रहा है या गॉन कॉम्प्लेक्स बोल रहा है, ये रीजन अपर पार्ट पे, ये फॉर्म हो रहा है लोअर लोब के अपर पार्ट पे, इसका पेरिफेरी साइड पे, किधर, पेरिफेरी साइड पे इसका कॉमन साइट है। ठीक है, तो इसने क्या बोला, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स लीजन प्रोड्यूस्ड इन द टिश्यू ऑफ पोर्टल एंट्री, पोर्टल एंट्री जानते हो, पोर्टल एंट्री मतलब जिसके थ्रू चीज रिटर्न जा रही हो, जिसके थ्रू चीज रिटर्न जा रही हो, जैसे कि अपन ने पोर्टल सर्कुलेशन देखा था एक, हाँ, स्प्लांजिक सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन, अपना स्प्लीनिक वेन, हाँ, मिसेंट्रिक वेन, पोर्टल वेन फॉर्म हो रही थी, वो क्या कर रहा था, यहाँ एब्डोमिनल से ब्लड को लेकर जा रहा था कहाँ, लीवर में, है ना, पोर्टल वेन के थ्रू। तो यहाँ पे क्या है, पोर्टल एंट्री, ठीक, पोर्टल एंट्री किसके थ्रू, यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे एक तो ट्रेकिया, ये क्या हो गया, ट्रेकिया, ठीक, ट्रेकिया के इस पार्ट को, ट्रेकिया के इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पार्ट को जहां पे इसका बाइफर्केशन होता है, ट्रेकिया, है ना, नोट राइट, ये क्या हो गया, ट्रेकिया, ट्रेकिया का क्या हो गया, यहां पे बाइफर्केशन हो गया, इस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, करीना, क्या बोलते हैं, करीना, करीना कपूर वाली करीना नहीं, ठीक है, ये दूसरी करीना, यहां पे क्या हो रहा है, इसका बाइफर्केशन हो रहा है। ठीक, यहां पे इसका बाइफर्केशन हो रहा है, उसी पार्ट को अपन क्या किस नाम जानते हैं, करीना के नाम से जानते हैं। ठीक, चलो, अब यहां पे ट्रेकिया में प्रेजेंट है क्या, लिम्फ नोड, क्या, लिम्फ नोड, है ना, जिसको अपन हिलर्स लिम्फ नोड के नाम से जानते हैं, किस नाम जानते हैं, हिलर्स लिम्फ नोड, लिम्फ नोड तो जानते हो, है ना, अपन पढ़ चुके हैं लिम्फ नोड के बारे में। तो ये क्या है, लिम्फ नोड, और कौन से लिम्फ नोड है, ब्रोंको ट्रेकियल लिम्फ नोड, नो डाउट, ब्रोंकस, हाँ, ट्रेकिया, ब्रोंको ट्रेकियल लिम्फ नोड, ये क्या हो गए, हिलर्स लिम्फ नोड। ठीक, यहां पे इसने बोला था पोर्टल एंट्री, मतलब यहां पे चीज क्या हो रही है, आ रही है, किसके थ्रू आ रही है, लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू, तो ये क्या होगी तुम्हारी, हाँ? ये क्या हो गया, लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक कैपिलरीज और लिम्फेटिक वेसल्स, इसके थ्रू चीज कहां जा रही, पोर्ट, जो बोला पोर्टल एंट्री, ठीक, चीज कहां एंटर कर रही है तुम्हारे, लिम्फेटिक लिम्फ
नोट पे, ठीक। तो यहाँ पे जिसमें बोला प्राइमरी कॉम्प्लेक्स और गॉन कॉम्प्लेक्स लीजन प्रोड्यूस्ड इन द टिश्यू पोर्टल ऑफ एंट्री विथ फोकाई, किधर, सेंटर की ओर, इन द ड्रेनिंग लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ नोड। और कहाँ, किसके, जो डेवलप हो रहा है और ये अपनी चीज किस पे ड्रेन कर रहा है, जो फोकाई सेंटर की ओर डेवलप कर रहा है और साथ में अपनी जो डेब्रीज है, जो वेस्ट है, वो किस पे ड्रेन कर रहा है, लिम्फेटिक वेसल्स पे। और लिम्फेटिक वेसल्स से चीज कहाँ आ रही है, लिम्फ नोड, और लिम्फ नोड का क्या हो रहा है, इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक। फिर देखो आगे क्या है, मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व टिश्यू फॉर प्राइमरी कॉम्प्लेक्स, वही चीज है, लंग्स एंड हिलर, लिम्फ नोड और ब्रोंकोट्रेकियल लिम्फ नोड, ठीक है। अब और साथ में तुम्हारे टॉन्सिल्स का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है, टॉन्सिल्स के साथ सर्वाइकल लिम्फ नोड का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक, टॉन्सिल्स और दूसरा सर्वाइकल लिम्फ नोड का भी इन्वॉल्वमेंट देखने मिलेगा। अगर इन केस मान लो बैक्टीरिया इंटर हो गया, ठीक, इंजेस्ट कर लिया गया, लीगल लिया गया किसी के थ्रू, ठीक है, तो क्या बैक्टीरिया कहां चला गया अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, और वहां पे क्या करेगा, ये यहां पे गॉन फोकस डेवलप करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। चलो फिर क्या है आगे, अब जो प्रोग्रेसिव पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, वो क्या है, पर्टिकुलरली हाई इन इम्यून कंप्रेस्ड, मतलब अगर तुम्हारी इम्यूनिटी क्या हो रही है, वीक हो रही है, क्या हो रही है, इम्यूनिटी वीक हो रही है, तो क्या हो रहा है, ये बॉडी में काफी जल्दी अपने को देखने मिलेगा, जनरली किस केस में, एचआईवी के केस में, एड्स का फुल फॉर्म ही क्या है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इम्यून डेफिशिएंसी, इम्यूनिटी क्या हो रही है, इम्यूनिटी की कमी हो रही है, वीक हो रही है, जिसकी वजह से आराम से क्या करेगा, बैक्टीरिया कॉज कर सकता है क्या, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। फिर क्या है, अब देखो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स और गॉन कॉम्प्लेक्स जो है वो तीन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, कितने कंपोनेंट से, तीन कंपोनेंट से, ठीक। तो प्रोग्रेस क्या था, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स और गॉन कॉम्प्लेक्स, ये कितने कंपोनेंट से मिला हुआ है, तीन कंपोनेंट। पहला क्या है, प्राइमरी कंपोनेंट, क्या है, पहला क्या है, पल्मोनरी कंपोनेंट, ठीक है, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स और गॉन्स कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट, पल्मोनरी कंपोनेंट, ठीक, लिम्फेटिक वेसल्स कंपोनेंट एंड लास्ट क्या है, लिम्फ नोड कंपोनेंट। क्या क्या बोला, पल्मोनरी कंपोनेंट, दूसरा क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स कंपोनेंट, और तीसरा क्या है, लिम्फ नोड कंपोनेंट, ठीक। अब पल्मोनरी कंपोनेंट में तुमको क्या मिलेगा, पल्मोनरी कंपोनेंट लीजन इन द लंग प्राइमरी फोकस और गॉन फोकस, ठीक है। यहां पे जो इसने बोला है, जो अब देखो पल्मोनरी किसको बोलते हैं, अपन लंग्स को बोलते हैं, तो पल्मोनरी कंपोनेंट हो गया, ठीक, पल्मोनरी कंपोनेंट में क्या हो गया, गॉन फोकस, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये वाला जो कि जनरली 1 to 2 centimeter, क्या 1 to 2 centimeter कैसा है, सॉलिड है, क्या है, कैसा है, 1 to 2 centimeter सॉलिड सॉलिटरी एरिया ऑफ ट्यूबरकुलस निमोनिया लोकेटेड पेरिफेरल एनी पार्ट ऑफ लंग, पर मोर कॉमन इन अपर पार्ट ऑफ लोअर लोब, ठीक। तो यहां पे जो गॉन फोकस है, क्या ये क्या था, गॉन्स फोकस, अपन इसको क्या बोल रहे हैं, गॉन्स फोकस, ठीक, इसका क्या नाम है, गॉन्स फोकस। तो ये एरिया क्या, वो कैसा है, 1 to 2 centimeter सॉलिड है, कैसा है, 1 to 2 centimeter कैसा है, सॉलिड है, जो कि लोकेटेड है, कहां लोकेटेड है, लोअर, पहली चीज तो ये पेरिफेरल कहीं पे भी हो सकता है, याद रखना ये कहीं पे भी हो सकता है, पर इसकी जो मोस्ट कॉमन साइट है वो कौन सी है,
लोअर लोब, ठीक है, और लोअर लोब में कहा अपर साइड पे, ठीक, ग्रेविटेशनल की वजह से, ठीक। चलो फिर आगे देखो, तुम्हारा दूसरा क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स कंपोनेंट, एक हुआ, ठीक। अब दूसरा क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स कंपोनेंट। अब लिम्फेटिक वेसल्स कंपोनेंट में क्या है, अब बड़ी बात है, यहां पे अगर इंफेक्शन हुआ है तो अपनी जो सेल्स है वो मिलेंगी, है ना, मैक्रोफेजेस, फैगोसाइटिक सेल, कुल मिला के फैगोसाइटिक सेल अपने को यहाँ देखने मिलेंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लिम्फेटिक वेसल्स कंपोनेंट, लिम्फ क्या करता है, वहां से ड्रेन उठाता है ना, और लिम्फेटिक लिम्फ नोड में जाकर पटकने का काम करता है, लेकर और लिम्फ नोड से चीज कहाँ जाती है, तुम्हारे सबक्लेवियन वेन में, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहां से जब गोन फोकस से जो भी प्रोडक्ट है वो, जैसे कि फैगोसाइटिक सेल विथ बेसिलाई, विथ बेसिलाई मतलब जो फैगोसाइटिक सेल है उसमें क्या प्रेजेंट है, ये होगी तुम्हारी क्या, फैगोसाइटिक सेल विथ बेसिलाई, ठीक। ये क्या है, फैगोसाइटिक सेल विथ बेसिलाई, ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, है ना, ये क्या हो गया। अब इसमें कंटेंट प्रेजेंट है ना, लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक, लिम्फेटिक वेसल्स में क्या है, क्या कंटेंट है इसका, फैगोसाइटिक सेल के साथ क्या है, बेसिलाई, तुम्हारा ट्यूबरकुलस, ट्यूबरकुलर का बैक्टीरिया, माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक। अब ये चीज कहां आएगी, ये अपना ड्रेनेज किस पे कर रहा है, लिम्फ नोड पे कर रहा है, ठीक। तो यहां पे क्या हुआ, इसको जो कि लिम्फ वेसल्स कंपोनेंट में क्या हो रहा है, जब यहां से चीज यहां आ रही, तो उसको अपन क्या बोले, मिलियरी, मतलब चीज एक जगह से दूसरे पार्ट में जा रही है, ठीक, इसको अपन बोलते हैं मिलियरी ट्यूबर क्लोसिस पैथ विथ हिलर लिम्फ नोड। ये क्या थे, हिलर लिम्फ नोड थे, ठीक। अब चीज कहां तक पहुंच गई, लिम्फ नोड तक पहुंच गई, हाँ, क्योंकि अब इस पे क्या मिल रहा है, बैक्टीरिया देखने मिलेंगे ना, ये फैगोसाइटिक सेल भी आएगी, क्योंकि अपने अपने को पता है जो अपना लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर है, उसमें टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस, कुल मिलाकर जितनी भी सेल्स हैं जो कि बॉडी क्या करती, प्रोटेक्ट करने का काम करती है, वो प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हिलर लिम्फ नोड के पास ये सेल प्रेजेंट है, ठीक। तो इनलार्ज हिलर एंड ट्रेकियो ब्रोंकस, ट्रेकियो ब्रोंकस लिम्फ नोड, ठीक। अब ये क्या होंगे, इनका साइज इंक्रीज हो जाएगा, जो ये लिम्फ नोड्स थे वो क्या होंगे, इनका साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां के लिम्फ नोड कैसे हो गए, इनलार्ज्ड हो गए। तो इनलार्ज हिलर एंड ट्रेकियो ब्रोंकियल्स लिम्फ नोड सो द केसियन नेक्रोसिस। अब यहां पे क्या मिल रहा है अपने को, नेक्रोसिस, केसियन नेक्रोसिस, भाई जो चीज लाइक स्ट्रक्चर था ना, वैसा ही स्ट्रक्चर अपने को यहां पर देखने मिलेगा, ठीक है। तो ये तीन कंपोनेंट हुए, कौन कौन सा, एक तो पल्मोनरी कंपोनेंट, लिम्फ वेसल्स कंपोनेंट और लिम्फेटिक नोड कंपोनेंट। पल्मोनरी कंपोनेंट में क्या मिला अपने को, गॉन फोकस मिला, जो कि 1-2 सेंटीमीटर सॉलिड स्ट्रक्चर है ना, जो कि अपने को कहां मिल रहा है, अपर लोअर लोअर लोब के अपर पार्ट पे। दूसरी चीज क्या थी, लिम्फेटिक वेसल्स कंपोनेंट, इसमें क्या हो रहा है, अब जो यहाँ की डेब्रीज है, फैगोसाइटिक सेल्स है, जो कि क्या है, जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट ट्यूबरकुलर्स का, वो आ रहा है किसके थ्रू, लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू, जिसको अपन मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस भी बोल सकते हैं। देन ये चीज कहां आ रही है, लिम्फ नोड में। तो तीसरा कंपोनेंट क्या है, लिम्फ नोड कंपोनेंट, जो कि लिम्फ नोड क्या हो रहे हैं, इनलार्ज हो रहे हैं, कहां कहां के, एक हिलर लिम्फ नोड और दूसरा ट्रेकियो ब्रोंकस लिम्फ नोड, ये क्या हो रहे हैं, इनलार्ज हो रहे हैं, जो कि केसियन नेक्रोसिस डेवलप कर रहे हैं, ठीक। यहां तक क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन, ठीक। अब इन, अब समझो, मान लो, ठीक है, मान लो जो बैक्टीरिया है वो इंजेस्ट हो गया कहां, अपने एलिमेंट्री ट्रैक्ट में, ठीक, एलिमेंट्री ट्रैक्ट में जब वो इंटर हुआ, ठीक, जिसको अपन बोलते हैं इन केस ऑफ प्राइमरी ट्यूबर क्लोसिस इंजेस्टेड इंजेस्टेड ऑफ ट्यूबरकल बेसिलाई, बेसिलाई गोज टू एलिमेंट्री ट्रैक्ट एंड स्मॉल पल्मोनरी, सॉरी स्मॉल प्राइमरी फोकस इन सीन इन द इंटेस्टाइन विथ लार्ज मिसेंट्रिक लिम्फ नोड प्रोड्यूसिंग टैप्स मिसेंट्रिका, टैप्स
मिसेंट्री का मतलब ये क्या बोल रहा है कि जब तुम चीज जो बैसिलाई है ना, वो तुमने क्या कर लिया, इंजेस्ट कर लिया, वो कहाँ आ गया तुम्हारे एलिमेंट्री केनाल में। जब वो एलिमेंट्री केनाल में आ गया तो यहाँ पे क्या करेगा, फोकस डेवलप करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया डेवलप होना कहाँ स्टार्ट हो गया, एलिमेंट्री ट्रैक्ट में, मिसेंट्रिक में, ठीक, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ पे स्मॉल, जहां अब यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा था, गॉन फोकस, वहां पे स्मॉल फोकस, स्मॉल प्राइमरी फोकस डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टैप्स मिसेंट्रिका, मिसेंट्रिक, ठीक, उसको अपन क्या बोले, टैप्स मिसेंट्रिका, ठीक। देन अब बनी बात है, यहां अब इंटेस्टाइन पे गया, ठीक, इंटेस्टाइन पे जब गया तो यहां के लिम्फ नोड भी क्या होंगे, इनलार्ज होंगे, ठीक। तो कौन कौन से लिम्फ नोड इनलार्ज होंगे, तुम्हारे इंटेस्टाइनल लिम्फ नोड और दूसरा मिसेंट्रिक लिम्फ नोड भी क्या होंगे, उनका इन्वॉल्वमेंट होगा और ये इलाज हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब देखो आगे आता है क्या, फेट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, कि अब ये तो हो गया, डिसीज हो गया, अब ये किस तरीके से बॉडी में खत्म होगा या स्प्रेड होगा, फैलेगा, अपने को कितना हार्मफुल करेगा कि नहीं करेगा, यहां तक क्लियर है, चलो अब क्या है, फेट ऑफ ट्यूबर क्लोसिस है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, पहली चीज, ठीक है, हीलिंग हो रही है, क्या हो रही है, हीलिंग हो रही है, ठीक, हीलिंग में क्या, हीलिंग बाय फाइब्रोसिस कैल्सिफिकेशन, ठीक, मे गेट रिएक्टिवेटेड इन वीक इम्यूनिटी, क्या बोला इसने, हीलिंग बाय फाइब्रोसिस कैल्सिफिकेशन ऑसिफिकेशन भी होगा, देन मे गेट रिएक्टिवेटेड इन वीकेंड इम्यूनिटी, मतलब जो तुम्हारा लंग्स था यहां पे क्या डेवलप हुआ था, गॉन्स फोकस, ठीक। तो अब जब ये एरिया इंफेक्टेड है, हाँ, लंग्स का एरिया क्या हुआ, इन्फेक्टेड हुआ, तो यहां पे इसने क्या बोला, फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन। तो इस पार्ट में अपने को क्या देखने मिलेगा, हीलिंग होगी तो फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन या ऑसिफिकेशन होगा इस पार्ट को हील करने के लिए, ठीक। और ये वापस से क्या हो सकता है, रीएक्टिवेटेड, ये फिर से एक्टिवेट हो सकता है, कब, जैसे कि अपने स्टार्टिंग में पढ़ता, अगर अपनी इम्यूनिटी वीक हो तो, वीकेंड इम्यूनिटी, ठीक, पहली केस। अब दूसरे केस में क्या हो रहा है, ठीक है, पहले में क्या हुआ, हीलिंग, हीलिंग में क्या हो रहा है, फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन का फॉर्मेशन, ठीक है। अब मान लो प्राइमरी फोकस ये अगला पॉइंट है, ठीक है, अगले पॉइंट में अब क्या हो रहा है, प्राइमरी फोकस कंटिन्यूअस ग्रो, ठीक है, मतलब जो गॉन्स फोकस था ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूएशन में अलग अलग डायग्राम बनाओ कि एक ही चलने दो, मतलब अलग अलग, फेट, FAT, फेट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, TB, फेट ऑफ ठीक, देखो ये क्या था, हीलिंग, पहले किस में क्या हो रही है, हीलिंग हो रही है, तो ये क्या हुआ, इस पार्ट में क्या डेवलप हुआ था, गॉन्स फोकस डेवलप हुआ था, है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, हीलिंग हो रही है ना, फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन, तो ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, हील कर रहा है, कौन, फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन के द्वारा, ठीक है।
ठीक है, फाइब्रोसिस कैल्सिफिकेशन। दूसरे केस में क्या हो रहा है, मान लो अब सेकंड केस है, ठीक, इसमें क्या हो रहा है, जो अपना ये सेकंड केस है, ठीक है, सेकंड फेथ है, इसमें क्या हो रहा है, यहां पे क्या डेवलप हुआ था, गॉन फोकस, है ना, और ये गॉन फोकस जो है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है, मतलब इसकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है। यहां पे क्या हुई थी, यहां पे हील हो गया था चीज, पर यहां पे इसकी ग्रोथ क्या हो रही है, कंटिन्यूएशन में बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो क्या बोला इसने, प्राइमरी फोकस कंटिन्यूअस ग्रोथ चीजियस मटेरियल डिमिनाइज्ड थ्रू ब्रोंकाई, मतलब वो अब कहां जा रहा है, अंदर की ओर फैल रहा है, क्या कर रहा है, फैल रहा है, और ब्रोंकाई है ना, ट्रेकिया, ट्रेकिक वाल, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्सरी ब्रोंकाई। तो ये क्या हो रहा है, ये इस पे स्प्रेड होना कहां तक फैल गया, ये ब्रोंकाई तक, ठीक, ब्रोंकाई की देन टर्मिनल ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, है ना। फिर क्या है, अदर पार्ट ऑफ सेम लंग एंड अप और अपोजिट लंग। अब बनी बात है, ये जब स्प्रेड होगा तो एक तो इसी पार्ट में होगा, अब राइट लंग के कितने पार्ट थे, तीन, अपर मिडिल एंड लोअर। बनी बात है, यहां पे जब बाइफर्केशन हुआ था ट्रेकिया का, तो उससे भी ये ट्रेकिया है ना, राइट लंग के पास कितने थे, अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब में जा रहे है ना, ठीक। तो जब ये कौन फोकस डेवलप हो रहा है, तो ये एक लोब से दूसरे लोब में भी आराम से क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है, और साथ में एक लंग से दूसरे लंग में भी जा सकता है, इधर भी तो हो ही रहा है स्प्रेड, साथ में इधर भी हो सकता है, ठीक। ये इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस। क्या बोलते हैं इसको अपन, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देख रहे हो ये कंटिन्यूशन में क्या कर रहा है, अपनी ग्रोथ कर रहा है, वे कंटिन्यूएशन में ग्रोथ कर रहा है, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भी जा रहा है, ठीक। दूसरा केस हुआ, देन तीसरे केस की बात करो, ठीक। अब यहां पे बेसलाई क्या हो रहा है, बेसलाइज थ्रू सर्कुलेशन, ठीक है, एट सेम टाइम, एट सम टाइम बेसलाई में इंटर द सर्कुलेशन, कहां है? अब बेसिलाई जो बैक्टीरिया है वो कहां इंटर हो गया, सर्कुलेशन में, ठीक। देखो अब बनी बात, ये क्या है, ब्लड वेसल्स और क्या, लिम्फ नोड, हिलर्स लिम्फ नोड यहां प्रेजेंट है ना, ये क्या हो गया, सर्कुलेशन, ठीक। जब ये सर्कुलेशन में इंटर करेगा, बनी बात, क्योंकि लिम्फेटिक वेसल्स भी अपना कहाँ ड्रेन करती है, लिम्फ सबक्लेवियर वेन में, तो कहीं ना कहीं सर्कुलेशन में वो भी आ गया, ठीक। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, कुछ केसेस में यहां पे ये क्या होगा, ये जो अपना बैसिला, ये जो बैक्टीरिया है वो कहाँ आ जाएगा, ये बैसिला कहाँ आ गया, सर्कुलेशन में, ये बैसिलाई कहाँ गया, सर्कुलेशन में, ठीक। तो सर्कुलेशन थ्रू द इरोजन इन ब्लड वेसल्स, ठीक, ब्लड वेसल्स से इंटर पेंट्रेट करके कहाँ गया चीज, अपने ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक, एंड स्प्रेड बाय हेमेटोजिनस रूट। अभी किसके थ्रू स्प्रेड हो रहा है, हेमेटोजिनस रूट, क्योंकि बनी बात है अपने बॉडी में पूरा पूरा ब्लड जो है वो फैला हुआ है, सप्लाई दे रहा है, ठीक है, हेमेटोजिनस रूट एंड अदर टिश्यू एंड ऑर्गन्स, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, दूसरे ऑर्गन्स को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी मिलियरी ट्यूबर क्लोसिस, ठीक। अब बनी बात क्यों, क्योंकि ये ब्लड के थ्रू जा रहा है, किसके थ्रू स्प्रेड हो रहा है, ब्लड के थ्रू स्प्रेड हो रहा है। जब ये ब्लड के थ्रू स्प्रेड हो रहा है, जिसको अपन क्या हो रहा है, प्राइमरी मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस, और अपन ने देखा था मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस में क्या हो रहा था, चीज एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रही थी, ठीक। जिसमें से अब ये ब्लड की सप्लाई कहाँ कहाँ ज्यादा होती है, एक तो तुम्हारा लीवर, कहाँ लीवर, दूसरा कहाँ ब्रेन,
और कहां? बोन मैरो, और कहां? स्प्लीन। हाँ ठीक है, तो और किडनी। हाँ किडनी ठीक। तो ब्लड के थ्रू ये कहां आ रहा है? लीवर में। और कहां आ रहा है? ब्रेन में। और कहां आ रहा है? बोन मैरो में। और कहां आ रहा है? स्प्लीन। और कहां आ रहा है? किडनी में। ठीक, तो यहां से जो डेवलप हुआ है बैक्टीरिया, जो स्प्रेड हो रहा है, हिमेटो, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, हिमेटोजिनस स्प्रेड बोल रहे हैं, बैक्टीरिया इंटर कर रहा है किस पे? ब्लड सर्कुलेशन पे। ठीक, ब्लड सर्कुलेशन से अब वो दूसरे पार्ट पे इंफेक्ट हो रहा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो ये पहले किसको? लीवर को, ब्रेन को, बोन मैरो, स्प्लीन और किडनी में ट्यूबरक्लोसिस डेवलप कर सकता है। ठीक है, स्प्रेड होकर। तो अपने को टोटल कितनी चीजें मिली? चार चीजें। कौन कौन सी? एक तो हीलिंग है ना, दूसरे केस में क्या मिला था अपने को? प्राइमरी फोकस है ना, और तीसरे में प्रोग्रेसिव पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है ना। नहीं, पहले में हीलिंग है, ठीक, दूसरे में क्या है? प्रोग्रेसिव प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस है ना, और तीसरे में क्या है? प्राइमरी मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस। तीन केस हो गए। ठीक, अब मान लो, अब अगला केस है। ठीक, अगला केस, टोटल कितने हो गए? तीन। कौन कौन सा? एक तो हीलिंग, इसमें कितने हो गए? हीलिंग। दूसरा क्या हुआ? प्राइमरी प्रोग्रेसिव प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि वो स्प्रेड हो रहा है। एंड तीसरे केस में क्या हो गया? प्राइमरी मिलियरी ट्यूबर क्लोसिस है ना, प्राइमरी मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस। अब तीसरा केस क्या है? सर्टन केस है ना, जो बैक्टीरिया है ना, अब वो क्या है, जो उसकी बॉडी की, जो उसकी पेशेंट है, उसकी बॉडी कैसी है? लो, एक तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है, जो उसका एरिया, सर्कमस्टेंसेस एरिया है ना, वो कैसा है? उसकी पहली चीज तो इम्यूनिटी बहुत वीक है, और वो बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव है किस चीज को लेकर, बहुत ज्यादा जल्दी रिएक्ट करने वाला है। ठीक है, किसी भी चीज के लिए बहुत जल्दी ये रिएक्ट करने वाला है। तो क्या होगा यहाँ पे? पेशेंट प्राइमरी टीवी गेट रीएक्टिवेटेड, मतलब समझो कि उसके बॉडी में पहले से क्या है, टीवी का बैक्टीरिया प्रेजेंट हुआ। ठीक, मेडिसिन से वो क्या हुआ? ठीक हुआ, पर बैक्टीरिया अभी भी प्रेजेंट है। किसके थ्रू? हीलिंग बाय हीलिंग के थ्रू। किसके थ्रू? हीलिंग के थ्रू। वहां पे फाइब्रस एंड कैल्सिफिकेशन हो चुका है, पर बैक्टीरिया भी वहां पे प्रेजेंट है। पर इनकेस जो इसका एटमोस्फियर है वो कैसा है? सही नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, मतलब बहुत ज्यादा जहां पे हाइजीन मेंटेन नहीं है उस एरिया पे। और दूसरी चीज, जो उसकी बॉडी है बहुत ज्यादा कैसी है? हाइपर सेंसिटिव है। तो इंक्रीज हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द होस्ट, जो पेशेंट है ना, उसकी उसकी बॉडी किसी भी चीज को लेकर बहुत जल्दी क्या करती है? रिएक्ट करती है। तो जब ये बैक्टीरिया क्या होगी, जब ये सब चीज बॉडी में डेवलप होगी, तो ये बैक्टीरिया वापस से क्या होगा? रीएक्टिवेट होगा। जब ये रीएक्टिवेट होगा तो बेसिलाई जब रिएक्टिवेट होगा तो क्या होगा? बेसिलाई आर प्रेजेंट इन ए सेलुलर चीजियस मटेरियल और हील लीजन। बनी बात है, जो हील्ड हुआ था ना, वहां पे अब क्या करेंगे? चीजी मटेरियल फॉर्म करेगा है ना, और वहां पे अपने को बेसिलाई का प्रेजेंट देखने मिलेगा, और एक्टिवेट एंड कॉज प्रोग्रेसिव सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। और क्या कॉज करेगा आगे चल के? सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। ये दूसरे केस में। तो इसमें क्या क्या है? इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस लाइक लोअर्ड रेजिस्टेंस एंड इंक्रीज हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द होस्ट, प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस गेट रीएक्टिवेटेड, बेसिलाई आर प्रेजेंट इन ए सेलुलर चीजियस मटेरियल और हील्ड लीजन आर एक्टिवेटेड एंड कॉज प्रोग्रेसिव सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। ये चीज डेवलप कर रहा है कौन? सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। इसीलिए सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस का दूसरा नाम क्या है? पोस्ट प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस। क्यों? क्योंकि ये पहले हुआ है, उसके बाद ये चीज क्या हो रही है? रीएक्टिवेट हो रही है। क्लियर हुआ? ठीक, तो इसमें कितनी चीजें हैं?
चार चीजें, चौथी चीज अपने को क्या मिली, री एक्टिवेटेड या री इंफेक्शन, री इंफेक्शन या री एक्टिवेटेड। ठीक, तो ये फेथ ऑफ ट्यूबरक्लोसिस है। नहीं, यहां पे री इंफेक्शन नहीं आएगा, री एक्टिवेटेड आएगा, एक्टिवेटेड, क्योंकि जी प्राइमरी ट्यूबर ये किसका फेथ है, प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस का है ना, तो यहां पे बैक्टीरिया इंटर हुआ ही नहीं है पहले, तो यहां पे चीज क्या हो रही है, रीएक्टिवेटेड हो रही है, और कहां की ओर जा रही है, प्रोग्रेसिव सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस की ओर। क्लियर हुआ यहां तक, कोई कंफ्यूजन? तो ये था तुम्हारा क्या, प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस। अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे क्या, सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है।